नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अपने आस पड़ोस में कमेटी डालने वाले हो जाए सावधान। दिल्ली के भरसवा डेयरी थाना इलाके के मुकुंदपुर में पूरे इलाके में एक महिला मुकुंदपुर निवासियों को लगाया लाखों का चूना। सैकड़ों महिलाओं से चीट फंड और कमेटी के नाम पर करोड़ों ठगे। हर रोज महिला के घर के बाहर पीड़ितों का लगता है जमावड़ा। कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। दिल्ली में लालच के चक्कर में सबको डुबो देने की खबरें आए दिन सुनने और पढ़ने को मिलती है। इसी प्रकार एक घटना भरसवा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर में हुई है। यहाँ पर लगभग 200 महिलाएं ठगी का शिकार हो गई हैं। दिल्ली के मुकुंदपुर में रहने वाली नंदनी नाम की एक महिला जो कंपनी चलाने की बात करती थी, जिसमें उसका पूरा परिवार शामिल है, वह महिलाओं से हर महीने पैसा जमा करवाती थी और उसका कहना था कि 2 साल के बाद आप जब भी पैसा मांगेंगे तो आपका जितना जमा होगा उसका दुगना दे दिया जाएगा। इस प्रकार से उसके झांसे में लगभग 200 महिलाएं आ गई, जिनमें से नंदनी के पास किसी का 12 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 3 लाख रुपए, किसी का 1 लाख और किसी का 15 लाख तक फंसा हुआ है। महिलाओं को पता लगा कि आरोपी महिला धोखाधड़ी करके घर छोड़कर भागने वाली है। सारी महिलाएं उसके घर को घेर ली और हंगामा शुरू हो गया। पीड़ित महिला ने पुलिस को कॉल भी किया। पुलिस की PCR वैन आई, सबकी बातों को सुनकर सबके बयान को लेकर चली गई। लेकिन महिलाएं उसके घर पर एकत्र हुई, सभी महिलाएं बैठी रहीं। महिलाओं का कहना है कि हम उनको इनके घर छोड़कर भागने नहीं देंगे जब तक हमारे पैसे नहीं देते। इन महिलाओं में ज़्यादातर गरीब महिलाएं हैं। वो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को प्रत्येक महीने इसके पास जमा करती थी, क्योंकि इसमें से बहुत की लड़की की शादी है, बहुत सारे लोग हैं, इनको घर बनवाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में बीमारी चल रही है, इलाज करवाना है। ऐसे लोगों के पैसे को गमन करके भागने का प्लान बनाया था। इस मौके पर पीड़ित महिलाओं ने कहा कि जब तक हमारे पैसे नहीं मिल जाते हम इनको यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। आइए हम आपको पीड़ित महिलाओं की पीड़ा को आपको सुनाते हैं। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। जिन्होंने पैसे लिए, कितने पैसे हैं आपको? मुझे मेरे तो 7-8 लाख रुपए तो कंपनी में लगाना, 1 लाख एक बार दिया, ऐसे कर करके कितनी बार पैसे ले लिया। मेरा भाई भी है उसमें, भाई के भी लगवा दिया, मेरी बहन है, मेरी बहन के भी लगवा दिया। कंपनी बताए कि किस चीज की कंपनी है, क्या है? कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं पता मुझे, क्या पता था ऐसा करेगी। टेंशन हो गया। कब से आप लोग पैसे इससे मांग रहे हैं? काफी टाइम से मांग रहे हैं, इतने दिन हो गए। आज मांगते 3-4 महीने से, अभी दे दूंगा, अभी दे दूंगा, ऐसे करते 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 यही। आज क्या कार्रवाई हुई? आप लोग घर पहुंचे जब? मेरे को पता चला तो मैं अब आई हूँ, नहीं याद हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। फोन पे बात हुई, कह रही मैं घर पे ही नहीं हूँ। कब आप लोग? सुबह मैंने सुना आप कहाँ पे हो, मैं फोन कर रहा है, मेरा भाई आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, तो कह रही मैं तो घर पे नहीं, बस इतनी बात हो गई मेरी। उसके बाद फोन करने का। आप लोग कुछ कानूनी कार्रवाई करी, पुलिस में शिकायत करी अभी तक? नहीं, कुछ नहीं करी। महिला कौन है, पैसे क्या कह करके दिए थे, आपका कितने रुपए? 8 नंबर गली में रहती है, मैं 7 नंबर में रहती हूँ। ठीक है, मुझे भी झांसा दिया कंपनी की, कि कंपनी में मतलब खोली है कि नहीं खोली है भगवान जाने, लेकिन मुझे बोली कि कंपनी है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। हर ज्यादा तो पैसा लगा थी सबके, मतलब बोली थी ऐसे, मुझे भी बोली कि पैसा इसमें इन्वेस्ट करो, डबल मिलेगा। हमने 50,000 रुपया दिए, 50,000 मुझे दे दिया, फिर मेरे को बोली कि 2 पैसे, फिर मैंने उसको दिया। ऐसे करते करते कितना बार मैंने उसको दिया, उसके बाद मेरे को बहाना बनाने लगी कि अब नहीं है पैसे मेरे पास, कहाँ से दूँ, ऐसी सब मतलब बोल बोल के ड्रामा करने लगी। रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग है। आप कितने रुपए हैं? मेरा 6 लाख। ऐसे कितने लोग हैं और कुल मिला के कितना पैसा होगा? मेरे जैसे बहुत है जिससे मतलब ठग रखी है, कम से कम 3-4 करोड़ रुपया होगा करीब। क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उन्होंने फंसाया? इस तरह फंसाया, ये कंपनी चलाती थी, सबको बुला बुला घर घर जाती थी, कहती थी कि हम कहीं कंपनी खोले हैं, आप लोग पैसा एडजस्ट करिए और मतलब डबल पैसा देंगे, एक दो बार पैसा सही ढंग से दे दी, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा तो सही से दे दी, और सबका ज़्यादा हो गया तो मतलब कहने लगे हमारे पास पैसा नहीं, हमारा पैसा डूब गया है, हम नहीं दे पाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम
सबका का लोन ले रहे हैं, हम लोन पर सबका पैसा वापस कर देंगे, थोड़े थोड़े दे देंगे। और दो तीन दिन से पता चला है कि धीरे धीरे घर खाली करके और सामान अपने जीजा को बुलाई थी और सामान लेके सब जा रही थी, तो कैसे पता चला, हम लोग तो भागे भागे हम लोग आए हैं। कितने रुपए हैं? हमारे 6 लाख है। 6 लाख सबके मिला के लगभग कितने होंगे, कितने लोग हैं? 2-3 करोड़ है, 2-3 करोड़। अभी वो महिला कहाँ पर है? अभी तो हॉस्पिटल लेके गई, अब हॉस्पिटल से कहीं चली गई, भाग गई, कहाँ गई, अभी तबीयत खराब हो गया। कितना पैसा है? मेरा 1,80,000। किस वजह से दिए थे आपने? इस वजह से दिए थे, मेरे पे 1,00,000 रुपया था, तो इन्होंने बोला कि मेरी ना पर्ची की कोई कम वो चल रही है, और क्या कहते हैं बाहर के बंदे आते हैं और मैं डबल करके दे दूंगी, ऐसे करके लिए थे। कितने महीने के लिए बोला था? इसने बोला था कि मैं 6 महीने के अंदर दे दूंगी। अच्छा, 6 महीने में डबल? हाँ। अच्छा, कितने पैसे आपने दिए इनको? मेरा पूरा 1,80,000 है। अब क्या सिचुएशन रहा? कुछ भी नहीं मिला अभी हमें, और 2-3 महीने से तो टाइम पर टाइम दे रही है कि 10 दिन में आना है, 10 तारीख को आना है, 5 तारीख को आना है, इस तरीके से तारीख पर तारीख ले रही है। किस वजह से आपने दिया था? भाई मेरा किसी सोच के नहीं थी, जिन्होंने बोली कि मैं मेरा धंधा चलेगा और मैं तुम्हें डबल करके दे दूँ, मेरे लिए तुम पैसे दे दो। भाई मेरा तो 1,00,000 रुपया है। मेरा 1,00,000 है। क्या बोल कर लिया था? ये बोली है कि मेरे के 10,000 महीना दे दो, अब मैं कंपनी चलाई और तुम्हें 1,50,000-1,50,000 रुपया इकट्ठा दे दो। हाँ। कितने महीने में बोला था कि? 20 महीने में बोला था डबल। हाँ, अब अभी हमारा गई है 6 महीना। अभी अब क्या सिचुएशन आया, आप लोग इकट्ठे हो रखे हो? अब सूचना का रही, अब तो भाग जाइए, मैं क्या करी, मेरा तो 6 महीना गया है, 10,000 महीना। आप लोग पुलिस से कंप्लेन किए? आप लोग अब नहीं। 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। किस वजह से पैसा दिया था? किस वजह से आपने पैसे दिया था? 1,000 रुपये महीना जमा होते थे, था कि यहाँ कमेटी पड़ती है, अरे 5,65,000। क्या बोल कर लिया था? मेरे से बोली मेरे ननद के बहन के साथ ही है दीदी, मुझे दे दो, मुझे जितने 4 महीना 6 महीना का दे दे, मैं 8 महीने से दौड़ रही हूँ, रोज मुझे 2-3 दिन पे बुलाती है, पैसा नहीं देती है। अब क्या सिचुएशन में आप लोग इकट्ठा हो रखे हैं? हमें पैसा चाहिए किसी भी हालत में। पुलिस से कंप्लेंट की आप लोग? अभी नहीं हुई। साल दे। हाँ, क्या है पूरा मामला? मेरे से बोला जी अंकि जे 1,10,000 रुपया दे दो, मेरा कंपनी चल रहा है, मैं डबल करके दे दूंगा। हाँ। अब मेरा देला हो गया 8-9 महीना, मैं रोज भाग भाग के आता हूँ, मेरे घर में आज तक कितना पैसा दिए हो? 1,10,000। हमारे 4,00,000। क्या बोल कर लिया था उन्होंने? वो बोले कंपनी में लगाएंगे, आपको डबल करके देंगे। कितने महीने में डबल करने के लिए बोला था? 20 महीने के बोले। तो अब क्या सिचुएशन आया है? वो अब हमें मिला ही नहीं, हमें पता ही नहीं, मैं दूर रहती हूँ, मैं आती जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ रह रही है। पैसा कैसे दिए थे? किस्त में दिए थे? अब जो लोग पैसा किस्त में दिए। कितने महीने का किस्त देते थे? 20 महीने की थी। 3,00,000 रुपया दी हूँ, एक बार 1,00,000। उसके बाद क्या रहा है अभी? अभी क्या पैसे देंगे और क्या करेंगे? तो क्या अभी पैसा मिला आप लोगों को? नहीं मिला है, मैं दूर रहती हूँ, हमें पता ही नहीं कि कहाँ जा रही है कि रह रही है, बोली अगले महीना में ले लेना। इधर देखो बोलो सर, मेरे क्या करो, उसे हमारा पैसा दे दो, मेरा कंपनी चल रहा है, मैं डबल करके आपके दे दूंगा। अब मैं क्या कर, दे दिया आया, हो गया 1 साल भर हो गया, वो साल भर के बाद में मेरे से ये धरा के बोला हूँ जी मेरा पैसा दे दो ना, आपके मेरे को जरूरत है, बहुत जरूरत है। कहा मेरे को कह रहा कि मैं कहाँ से ले आके दूँ, मेरे नहीं दूंगा, कहाँ से ले आऊँगी, नहीं दूंगा, मेरा है नहीं, कहाँ से दे दूँ, बैठो आराम से, मैं क्या करूँगा, नाव निकालूंगा तो दूंगा, तो ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे बोलता है। बीमार हो गया, एकदम से बन बेहोश हो गया, सर मैं सबको फंसा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, बच्चे को मार दूंगा, पैसा मांगोगे नाम? क्या नाम है? मेरा शैला देवी। हाँ, क्या है पूरा मामला? मेरा मामला 1,60,000 है। हाँ।
किस वजह से आपने दिया था? मैंने कंपनी में बोली ना, कंपनी चल रही है हमारी, कंपनी चल रही है। हाँ। आपको डबल मिलेगा? हाँ डबल मिलेगा। आपका कितने पैसे? मेरे भी 2 लाख रुपए। क्या बोल कर लिया था? मतलब मेरे मेहमान खत्म हो गए, लड़की को बीमा का पैसा मिला था, उसको 1.5 लाख रुपए मैंने उसको ब्याज पे दिए थे।